नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकार लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन में मैंने लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध की सारगर्भित आलोचना तथा निबंधकार का सामान्य परिचय के साथ प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू में यानी इस वीडियो में मैं केवल लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध का उद्देश्य या संदेश एवं नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकार लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध का उद्देश्य या संदेश एवं नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को अत्यंत सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे ध्यान देकर सुनिएगा। लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध का उद्देश्य या संदेश। लीलाधर शर्मा पर्वतीय हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकार हैं। भीड़ में खोया आदमी इनके द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं सुंदर निबंध है। वास्तव में यह निबंध जन चेतना पर आधारित एक बहुत ही सुंदर निबंध है। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने इस देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों पर चिंता व्यक्त की है। यह समस्या केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। यह निबंध एक उद्देश्य प्रधान निबंध है। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन जितनी छोटी बड़ी समस्याएं दिखलाई देती है या दिखलाई दे रही है, इसका मूल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधन ही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और दूषित वातावरण पैदा होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज लोगों को रोजगार, भोजन, वस्त्र तथा आवास आदि से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। यही नहीं, आज हमारा देश अवनति और कुपोषण का शिकार हो गया है। लेखक का मानना है कि यदि हम इस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाना होगा। कारण सुखी, स्वस्थ व संपन्न परिवार के लिए छोटा परिवार, स्वच्छ वातावरण व भरपूर खाद्य सामग्री का होना अनिवार्य है। तभी
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है, अन्यथा हर व्यक्ति एक न एक दिन इस भीड़ में खो जाएगा और अपनी पहचान भुला बैठेगा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक सीमित परिवार के महत्व को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अच्छा पालन पोषण व उच्च रहन सहन सीमित परिवार में ही संभव है। अतः लेखक कहना चाहते हैं कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकला या नहीं हुआ तो पूरा देश ही रोगग्रस्त हो जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, देश अवनति के गर्त में चला जाएगा। अतः इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य या संदेश बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों की ओर संकेत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सावधान करना और सीमित साधनों के अनुसार ही अपने परिवार को नियंत्रित या नियोजित करने पर बल देना है। निस्संदेह लेखक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतः सफल रहे हैं। आइए अब मैं आपके समक्ष लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शीर्षक या नामकरण। आधुनिक हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकारों में लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी का प्रमुख स्थान है। भीड़ में खोया आदमी इनके द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं सुंदर निबंध है। वास्तव में यह निबंध जन चेतना पर आधारित एक सुंदर निबंध है। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने इस देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों पर चिंता व्यक्त की है। यह समस्या केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह निबंध एक श्रेष्ठ एवं सुंदर तथा सफल निबंध है। भीड़ में खोया आदमी का अर्थ है आज की भीड़ भाड़ में आदमी खो गया है। जी हाँ, यह सच है। आज सचमुच आदमी इस भीड़ भाड़ में खो गया है। इसका प्रमुख कारण देश में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आदमी केवल अपने आप को ही खो नहीं दिया है, बल्कि अनेक समस्याओं को भी जन्म दे दिया है। लेखक को अपने मित्र बाबू श्यामला कांत जी के घर उनकी पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाना था। पहले तो लंबी कतार में घंटों
खड़े रहने पर भी आरक्षण नहीं मिला। जैसे तैसे लेखक मित्र के घर पहुंचे, लेकिन उनके घर की व परिवार की दुर्दशा को देखकर लेखक बहुत दुखी हुए। मकान बहुत ही छोटा था। बड़ा परिवार होने के कारण परिवार के सदस्य अन्य सुख सुविधाओं से भी वंचित थे। उनकी पत्नी प्रायः बीमार रहती थी। उनका पुत्र बेरोजगार था। श्यामला कांत जी के पुत्र दर्जी के पास तो गए तो वहाँ भीड़, राशन की दुकान में भी भीड़। यह सब जनसंख्या वृद्धि के ही कारण है। यही कारण है कि आदमी इस भीड़ में खोकर रह गया है। वह स्टेशन, दुकान, दफ्तर, अस्पताल, कचहरी जहाँ भी जाता है वहाँ समय व शक्ति व्यर्थ करता है। पैसा भी लगाता है लेकिन उसका कार्य सही समय पर सफल नहीं हो पाता है। अतः उक्त कथा प्रसंगों को देखने के बाद हमारा यही कर्तव्य होता है कि सीमित साधन के अनुसार ही अपने परिवार को नियोजित करें। छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाएं, अन्यथा हमारी स्थिति इस कहानी के प्रमुख पात्र बाबू श्यामला कांत और उनके परिवार की तरह हो जाएगी और हम स्वयं उस भीड़ में खो जाएंगे जैसे वे और उनके परिवार के लोग बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों में खो गए हैं। अतः निबंधकार लीलाधर शर्मा पर्वती जी ने अपने इस निबंध का शीर्षक या नामकरण भीड़ में खोया आदमी रखा है, जो एकदम सटीक व सार्थक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भीड़ में खोया आदमी शीर्षक या नामकरण एकदम सटीक, सुंदर व सार्थक है। यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से अर्थपूर्ण, सुंदर और सार्थक दिखलाई पड़ता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।